हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मेडिकल क्षेत्रों के कुछ ऐसे संकेतों की जानकारी के बारे में बताऊंगा, जिन्हें बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। यानी जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर जिस पर्ची पर दवाई लिखते हैं, कुछ दवाई के सामने कुछ ऐसे संकेत लिख देता है जिसको आम आदमी के समझना बस की नहीं है। जैसे कि दवाई के सामने ओडी, बीडी, टीडीएस और बहुत सारे संकेत लिखा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है इनका मतलब क्या होता है और डॉक्टर इन्हें क्यों लिखते हैं? चलिए तो इस वीडियो में इन्हें के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओडी, ओमनी मनी, ये लैटिन अक्षर होता है। लैटिन में ओमनी मनी कहता है, यानी वंस ए डे, दिन में एक बार। जिस भी दवाई के सामने ओडी लिखा होता है यानी वो दवा को दिन में एक बार ले सकते है। बी डी या बी आई डी, इसको लैटिन में कहते हैं बिस इन डाई, इसका मतलब है ट्वाइस ए डे, दिन में दो बार। जिस भी दवाई के सामने बीडी लिखा होता है वो दवा हम सुबह और रात में लेंगे। टीडीएस या तो टीआईडी, इसका लैटिन में कहते हैं टार डाई सुमेंडम, इसका मतलब है थ्री टाइम्स ए डे, दिन में तीन बार। जिस दवा के सामने टीडीएस लिखा होता है वो दवा यानी दिन में तीन बार लेना होता है। क्यूडीएस, इसका क्यू आई डी भी कहते हैं, क्वार्टर डाई सुमेंडम, इसका मतलब है फोर टाइम्स ए डे, दिन में चार बार। इसका मतलब है दिन में चार बार ये दवाई लेना है। ए सी एंटेसिवम, इसका मतलब है बिफोर मील, भोजन से पहले। जिस भी दवा के सामने ऐसी लिखा होता है वो दवा यानी भोजन से पहले लेना है। पी सी पोस्ट सिवम, इसका मतलब है आफ्टर मील, भोजन के बाद। एस एस होरा सोमनी, इसका मतलब है एट बेड टाइम, सोने के समय। जिस दवाई के सामने एस एस लिखा होता है यानी कि वो दवाई सिर्फ रात में लेना होता है। ओ एम ओमनी मनी, इसका मतलब है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। जिस भी दवा के सामने ओ एम लिखा होता है वो दवा हर सुबह लेना है। एस ओ एस सीओ ओपासिट, इसका मतलब है इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक है। जिस भी दवाई के सामने एस ओ एस लिखा होता है उसका मतलब है अगर आपका कोई जरूरत है तो ये दवाई लेना है। मान लीजिए आपका बुखार आ गया है तो ये दवाई ले सकती है। कुछ दवाई के नाम छोटे शब्दों में लिखते हैं, जैसे कि कैप, कैप का मतलब होता है कैप्सूल। टैप, टैप का मतलब होता है टैबलेट। आई एन जे, इसका मतलब है इंजेक्शन। ओइंट, इसका मतलब है ऑइंटमेंट। आई वी, इसका मतलब है इंट्रावेनस यानी नसों में। आई एम, इसका मतलब है इंट्रामस्कुलर यानी मसल में। ए डी, ए डी का मतलब है अल्टरनेट डे, एक दिन अंतर से देना है। जिस दवा के सामने एडी लिखा होता है इसका मतलब है अगर मान लीजिए सोमवार को दवाई लिया है, मंगलवार को सोर के बुधवार को लेना है ये दवा। एस्टेट, इसका मतलब है एट इमरजेंसी। जिस दवाई के सामने एस्टेट लिखा होता है यानी वो दवा तुरंत देना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलती है अगले वीडियो में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।